अमीबा में द्विभाजन का तथा हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन। विद्यार्थी मित्रों, हमने अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन किया है। इस प्रयोग में हम द्विभाजन और मुकुलन पद्धति के बारे में जानेंगे। ये दोनों पद्धतियाँ अलैंगिक प्रजनन पद्धतियाँ हैं। यह पद्धतियाँ बहुत जल्द गति से घटती है और इनमें कम समय में अधिक संख्या में नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह बात याद रखें कि इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजन की जो पद्धति देखी जाती है वह समसूत्री विभाजन पद्धति है। इस कारण जो जीव निर्माण होते हैं वे अपने जनकों के जैसे होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रजनन में एक ही जनक होता है। अलैंगिक प्रजनन योग्य प्रकार की परिस्थितियों में संभव हो पाता है, जैसे पर्याप्त मात्रा में अन्न और पानी का होना। द्विभाजन और मुकुलन के अलावा इन अन्य पद्धतियों द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। आवश्यक उपकरण। अमीबा में द्विभाजन प्रक्रिया की और हाइड्रा में मुकुलन की स्थायी स्लाइड्स और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। प्रक्रिया। इन स्लाइड्स को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पहले कम शक्ति पर और फिर अधिक शक्ति पर पदार्थीय लेंस की सहायता से देखा गया। निरीक्षण। अमीबा में द्विभाजन। अमीबा की जनक कोशिका लंबी होना शुरू हो जाती है। अब नाभि केंद्र अंडाकृति होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर विभाजन होता है वहाँ कोशिका आवरण में दरार निर्माण होती है और जो अधिक गहरी हो जाती है। अंततः अमीबा के दो संतति कोशिकाओं की निर्मिति होती है। हाइड्रा में मुकुलन। जनक हाइड्रा के भित्ति पर विशेष स्थान पर उभार तैयार होता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। इसी मुकुल का रूपांतर बाद में छोटे हाइड्रा के रूप में होता है। मुकुल से निर्मित कोशिका का विभाजन होता है और वह आकार में बढ़ने लगती है। उनके स्वतंत्र मुहाने पर स्पर्श तंतु निर्माण होते हैं। अंततः योग्य रूप से बढ़ने के उपरांत मुकुल जनक का हाइड्रा से विभक्त हो जाते हैं।